क्या सच में पीपल के पेड़ के नीचे होता है नकारात्मक शक्तियों का निवास? दोस्तों, आप में से कई लोग होंगे जो भूत प्रेत जैसी नकारात्मक शक्तियों में विश्वास करते हैं, और आप में से कई लोग ऐसे भी होंगे जो इन सब बातों में विश्वास तो क्या, ऐसी बातें सुनना भी पसंद नहीं करते होंगे। लेकिन दोस्तों, आप माने या ना माने, हमारे ब्रह्मांड में आज से ही नहीं बल्कि प्राचीन समय से ही ऐसी शक्तियाँ एग्जिस्ट करती हैं, और हिंदू धर्म में ऐसी चीज़ों को लेकर एक विशेष मान्यताएं भी दी गई हैं। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसी ही नकारात्मक शक्तियों के बारे में कि क्या सच में पीपल या बरगद के पेड़ के नीचे ऐसी शक्तियाँ होती हैं या नहीं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल द इलॉजिकल लैंड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में बने बेल आइकन बटन को जरूर दबाएँ ताकि हमारे चैनल की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। तो दोस्तों, हम प्राचीन समय से ही सुनते आ रहे हैं कि पीपल के पेड़ पर रात के समय नहीं जाना चाहिए क्योंकि वहाँ पर नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव होता है, और रात के समय ये शक्तियाँ और भी ताकतवर हो जाती हैं, और इसीलिए हमें पीपल के पेड़ के नीचे रात में नहीं जाना चाहिए। लेकिन हमने जब थोड़ा और इस तथ्य के बारे में जानने की कोशिश की तो हमें पता चला कि केवल पीपल के पेड़ ही नहीं जहाँ नकारात्मक शक्तियों के होने का दावा किया जाता है, बल्कि लोगों के मुताबिक इमली, गुलर, बरगद और शमशान में मौजूद पेड़ों के ऊपर भी नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं। लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? तो दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में माना गया है कि पीपल के पेड़ पर हमारे पितरों का निवास होता है, और इसीलिए किसी भी व्यक्ति को इनके पेड़ नहीं काटना चाहिए क्योंकि ऐसा करने वालों को पितृ दोष लगता है। और पीपल के पेड़ के नीचे भूतों का निवास स्थान इसलिए माना जाता है क्योंकि जब हिंदू धर्म में किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसके शरीर को जलाने के बाद उसकी अस्थियों को पीपल के पेड़ के नीचे लटका दिया जाता है, और इसलिए हमारे धर्म में ये माना जाता है कि पीपल के पेड़ पर हमारे ही परिजनों की ही आत्माएँ निवास करती हैं। रही बात दूसरे पेड़ों की, जैसे इमली, गुलर और बरगद की, तो हो सकता है ये कुछ लोगों द्वारा फैलाई जाने वाली अफवाहें हों क्योंकि इसका कोई पुख्ता सबूत नहीं है। और रही बात शमशान के पेड़ों की, तो जब पूरा शमशान ही नकारात्मक शक्तियों से प्रभावित होता है तो जाहिर सी बात है कि उसके पेड़ों पर भी ऐसी शक्तियों का प्रभाव तो होता ही होगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा और हमें कॉमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा। धन्यवाद।